हरियाणा के यमुनानगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बर्खास्त पीटीआई और आशा वर्कर सैकड़ों की संख्या में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने अलग अलग जगह बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं रुके तो पुलिस और पीटीआई के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिसकर्मी उन्हें रोकने के लिए काफी मशक्कत करते नजर आए। शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक आरएस शर्मा की अध्यक्षता में टीचर हरियाणा के यमुनानगर पेट्रोल पंप पर एकत्रित हुए थे। यहां से आशा वर्कर और पीटीआई शिक्षकों का काफिला मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास की तरफ बढ़ा। पुलिस ने तीन जगह बैरिकेड्स लगाए हुए थे ताकि शिक्षकों को रोका जा सके। काफी संख्या में शिक्षक और आशा वर्कर होने के कारण वे एक एक करके बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। जब वे बिल्कुल ही मंत्री की कोठी के नजदीक पहुंच गए तो पुलिस को धक्का मुक्की करनी पड़ी। इस दौरान पीटीआई और पुलिस एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए। यहां महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई थी, इनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, कई नीचे भी गिर गए। पुलिसकर्मी जब पीछे भागे तो टीचरों की भीड़ अलग थलग हुई। अध्यापक शिक्षा मंत्री के निवास तक पहुंच गए, बाहर सड़क पर बैठ गए। यूनियन के 5 पदाधिकारी शिक्षा मंत्री के निवास पर गए, उनसे बातचीत के बाद सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।